माही छल्ला में कॉल माही घड़ा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबका? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह की करम से और आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक और फूड रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हम लोग मौजूद हैं न्यू सिटी फेज टू में और यहाँ हम लोग आए हैं कबाबिश पे। आज हम यहाँ का फूड रिव्यू करेंगे और इस होटल का भी रिव्यू करेंगे, एक एक चीज़ कोशिश करेंगे दिखाएँ आपको। तो आएँ चलते हैं, हमारे साथ देखते हैं क्या होता है। हाँ जी, तो अभी हम लोग आ चुके हैं कबाबिश के अंदर और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त माहौल है। हल्का हल्का म्यूज़िक भी यहाँ पे चल रहा है और लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे इनका ओपन किचन भी है, वो भी आपको दिखाते हैं और साथ बाद में खाना दिखाएंगे, उसका भी रिव्यू करेंगे। पहले आप ज़रा 120 FPS चेक करें। यहाँ पे कढ़ाइयाँ भी बन रही हैं बहुत ज़बरदस्त और टिक्के भी लग रहे हैं, साथ तैयार भी हो रहे हैं और बहुत ही मज़े का माहौल है। मेरे देख के तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है यार। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई का? भाई, यहाँ पे आप क्या क्या बनाते हैं? सर, यहाँ पे हम चिकन मटन देसी बनाते हैं जो तो उनमें मक्खन में आटे में चीज़ तैयार होती है। कब से कुकिंग कर रहे हैं? सर तकरीबन मुझे 12 साल हो गए। 12 साल। और पहले यहीं पे कुकिंग स्टार्ट की या पहले और कहीं करते हैं? नहीं, मैं पहले और भी कहीं बट से मैंने सीखा है, तकरीबन 6-8 साल उधर लगाए, बाकी इधर। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। बारबेक्यू में क्या क्या है आपके पास? सर हमारे पास है चिकन टिक्का, चिकन बोटी, बीफ कबाब, मलाई बोटी, रेशमी कबाब है, बादामी कबाब है। इसके अलावा जो है आपको मिल जाएगा कबाब वगैरह मिल जाएगा, जो भी चाहिए प्लेटर मिल जाएगा। स्पेशलिटी जो है वो हमारा प्लेटर है। प्लेटर है जी हाँ। ठीक है, प्लेटर में क्या क्या होता है? प्लेटर में सर ये सारा चाम्प वगैरह और सारा जो है ना एक एक आइटम से सब ऐड करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियाँ लग रही हैं, अभी इनसे बात करते हैं और देखते हैं इनके पास कौन कौन सी रोटियाँ हैं और कौन कौन से नान हैं। हमारे पास रोनी नान भी है और रोटी भी है, सादा नान है, गार्लिक है, कलौंजी है, यही है बस। आपने यहाँ पे नीचे के सीन तो देख लिए, इनके यहाँ पे सेटअप भी है और इनका सेटअप ऊपर भी है, तो अभी चलते हैं ऊपर की तरफ और वहाँ का सेटअप भी आपको दिखाते हैं। जी हमारे साथ मौजूद है अभी जलील भाई, ये यहाँ के मैनेजर हैं और ये हमें यहाँ पे विज़िट करवाएंगे कबाबिश का, जो ऊपर का सेटअप है वो भी दिखाएंगे। ये हमारा कबाबिश रेस्टोरेंट है जी, पहली ब्रांच हमारी G15 में, उसके बाद अभी हमने ये न्यू सिटी फेज टू में बनाई है। हमारा स्पेशल जो है यहाँ का जो देसी मुर्गड़ा ये प्लेटर होता है, फाइन डाइनिंग हमारा बहुत अच्छा जगह, चेक करें, लाइव बार है हमारा, सुबह देसी फ्रेश ऑर्डर सारे हमारे तैयार होते हैं। यार आप दो दो यार, अभी यहाँ दो दो। हाँ जी, ऊपर के सेटअप में हम लोग आ चुके हैं, यहाँ भी माहौल बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ का माहौल ज़रा चेक करें। मेन्यू लेके आए हो? यहाँ का सेटअप तो आपने देख लिया है और अभी कुछ खाने पीने का सीन होना चाहिए, अभी मेन्यू चेक करते हैं, इनको देखते हैं, डिसाइड करते हैं क्या मंगवाना है। आज मेन्यू डिसाइड करेंगे जी, उमेर उम्मीद है डिसाइड करना है आज। उम्मीद है कुछ अच्छे ही डिसाइड करेंगे। हमेशा तुम करते हो डिसाइड, तुम ही करो तो आज आप करो यार। चले जी, इनका मेन्यू पहले देखते हैं कैसा है। क्या डिसाइड किया? 15 मिनट हो चुके हैं। टाइम तुम्हारा बहुत जल्दी नहीं चल रहा आगे। ये पहले मेन्यू देख लीजिए,
ज़बरदस्त ब्लैक कलर के मेन्यू है, वाइट वैसे कलर वही वाले इसमें ब्लैक की हुई है जो हम अपने थंबनेल में यूज़ करते हैं, येलो। मुझसे डिसाइड नहीं हो रहा भाई, और ये विकास ही अब डिसाइड करेगा जी। विकास आप डिसाइड करें। अब एक हम खाएंगे आज चिकन क्रीमी हंडी, एक हम स्पेशल काबली पुलाव। स्पेशल काबली पुलाव थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा ना, सही है ना? ठीक है। आज बहुत सर्दी है वैसे, लेकिन जो ऊपर वो इनका सेटअप है उसका टेम्परेचर ठीक है। वैसे जो नीचे वाला सेटअप था उसमें ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। मेन्यू डिसाइडेड है। आप एक क्रीमी चिकन हांडी कर दो, ठीक है। हाँ, और काबली पुलाव रोटी लजीज। अच्छा जी, अभी हमने ऑर्डर दे दिया, कह रहे हैं जी 20 मिनट वेट करना। अभी 20 मिनट बाद देखते हैं क्या सीन है। बिल्लो पगे बिल्ले अंधकी करेंगी, सॉन्ग लगा हुआ यहाँ। दूर जावे मेरे काले रंग, यार वेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये प्लेटें आ गई हमारे, अभी फिलहाल प्लेटें आ गई हमारे यहाँ। कहाँ सैलेड आके शुरू हो गया? मुझसे पहले तो आपने इस पर ढूंढने, मैंने तो इस पर ढूंढना नहीं है। खाओ खाओ रायता खाओ, पानी पी रहा हूँ। इस पर आपका याद पहले जाएगा, मेरा कुछ ये देख लो बस, हमेशा ऐसा ही होता है। क्या हमेशा मैं सैलेड पहले खाता हूँ? वैसे नहीं, मैं बहुत खाता हूँ सैलेड, नहीं बाकी चीज़ें सारी। सैलेड खाना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा होता है सैलेड। रायता भी है, रायता भी है, वो आप खाएंगे ना रायता। कैसा एक्सपीरियंस है 6 टेबलों के सामने खाते हुए और वीडियो बनाते हुए? यार वाकई यार पब्लिक में वीडियो बनाना मुश्किल है वैसे, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता आप सेट हो जाते हैं। अभी यहाँ पे 1, 2, 3, 4 टेबल नहीं 5 टेबल, इस टाइम तकरीबन हाउस फुल है। 5 टेबल हैं जेंट्स के और फुल, और लेडीज की तरफ जो है ना फैमिली हॉल में सॉरी वो भी 2 टेबल फुल। और हम यहाँ पे दोनों कैमरा ऑन किए खाने का वेट कर रहे हैं, खाने का वेट कर रहे हैं। कढ़ाई हमारी आ गई थी और देखने में तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। ओए होए, कढ़ाई बहुत ज़बरदस्त है यार, और बीच में जो अदरक का टेस्ट आ रहा है ना बहुत ही कमाल, सही क्रीमी चिकन कढ़ाई है जी। और इसमें मसाले भी नॉर्मल ही हैं, इतने तेज़ मसाले नहीं हैं, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, नॉर्मल मसाले हैं। और इसकी टॉपिंग बहुत ही ज़बरदस्त की हुई है, ग्रीन चिलीज़ हैं बीच में और साथ मिंट का टच है, बहुत ही ज़बरदस्त है। छोटी छोटी बोटी हैं, बड़ी ज़बरदस्त टेंडर हुई है, मज़ा सबसे मज़े की बात इसमें ये है कि ये काली मिर्च में पकी हुई है, काली मिर्चें और साथ अदरक का टेस्ट, ओए होए होए क्या बात है। रायता बहुत मज़े का इनका, काफ़ी थिक थिक। अभी हमारा काबली पुलाव भी आ चुका है, काबली पुलाव का जो टेस्ट है वो नॉर्मल है यार, कोई स्पेशल मेरे ख्याल में कोई स्पेशलिटी नहीं है काबली पुलाव में, नॉर्मल ही है जैसे होता है। चावल इसके नॉर्मल ही है बस, और साथ जो बोटी हैं जो जैसे काबली पुलाव में बोटियां होती हैं जिस तरह बड़ी बड़ी बोटी, उस तरह की नहीं है, बस नॉर्मल ही बोटियाँ हैं इसमें। पहले ये जो बोटियाँ लेके आए थे मैंने चेंज करवाई हैं, तो मैंने कहा ठीक दूसरी ले गया, और अभी वो दोबारा ले गया है लेकिन नॉर्मल ही है। यार मेरे व्लॉग्स में मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर चीज़ रियल दिखाऊँ, कुछ फेक ना हो। जो रिव्यू मेरा होगा जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहेगा
मैं वो बताऊँगा, जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो अच्छी बताऊँगा, जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो मैं बताऊँगा कि अच्छी नहीं है। अच्छा यार, कुछ जो पूछ रहे होते हैं रेस्टोरेंट की लोकेशन के बारे में, हालांकि मैंने वीडियो में तकरीबन मेरी कोशिश होती है मैं सारी लोकेशन बताई होती है, अगर आप लोग वीडियो पूरी देखें तो आपको लोकेशन पता चल जाएगी, अगर फिर भी कोई कमी पेशी रह जाती है तो गूगल बाबा है, गूगल आप कर सकते हैं, लोकेशन आपको पता चल जाएगी। हाँ जी, तो खाना वगैरह खा लिया अभी, और अभी चलते हैं नीचे की तरफ और बाकी बातें नीचे जा के करते हैं। फिर अच्छा जी, तो अभी नीचे आ चुके हम लोग और खाना वगैरह ठीक खा लिया, और इनकी जो वाइट कढ़ाई थी वो अच्छी थी, लेकिन जो इनका काबली पुलाव था वो बस ठीक ही था। जैसे मैंने सोचा था कि इनका काबली पुलाव अच्छा होगा, लेकिन उस हिसाब का नहीं था। और सफाई की बात करूँ तो सफाई और इनका माहौल बहुत ही अच्छा था, इनका स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव था, और फैमिली के साथ आए विज़िट करें, और इनकी टाइम मैनेजमेंट भी अच्छी थी, जितने टाइम इन्होंने कहा था उतने टाइम में खाना ले आए थे। और ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।